प्रधानमंत्री ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ वडोदरा में किया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, प्रधानमंत्री ने देश में एनिमेशन सेक्टर को बढ़ाने पर दिया जोर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में स्वच्छता अभियान के तहत वेस्ट मटेरियल और स्क्रैप आइटम से बनी कलाकृतियों की लगाई गई प्रदर्शनी। और बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अंकित मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में C-295 विमान बनाने के लिए संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। इसमें बनने वाले C-295 विमान भारतीय सेना के लिए मालवाहक विमान के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने एयरक्राफ्ट निर्माण कॉम्प्लेक्स में निर्माण संबंधी प्रदर्शनी देखी और इससे जुड़ी जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ये निर्माण सेंटर सिर्फ सैन्य विमानों के निर्माण तक ही नहीं बल्कि यात्री विमानों के निर्माण को भी नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बीता दशक बदलते वर्क कल्चर का रहा है, ऐसे में प्लानिंग से लेकर प्रोग्रेस तक सभी में बदलाव देखा जा सकता है। यही वजह है कि भारत अब डिफेंस क्षेत्र में निर्यात करता है। एंटोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरबस द्वारा भारत में सैन्य क्षेत्र में निर्माण के इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों के आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। गतिशक्ति विश्वविद्यालय का स्पेन के एयरबस से एक करार हुआ है। भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और तेज करने के लिए यह करार किया गया है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मनोज चौधरी ने बताया कि देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और तेज करने के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय तेजी के साथ काम कर रहा है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय का स्पेन के एयरबस से करार हुआ है ताकि C-295 प्लेनों को लॉजिस्टिक उपलब्ध हो सके। का एकमात्र यूनिवर्सिटी है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में, पूरे एविएशन सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए एयरबस के साथ में हमारा बहुत अच्छा स्ट्रांग पार्टनरशिप है। इसके अलावा इस समय हम लोग इंडिगो और एयर इंडिया से भी हमारा बात काफ़ी आगे के स्टेज में पहुंच चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और टाटा स्ट्राइव जो कि टाटा की स्किलिंग CSR पार्टनर है, उनके साथ और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलके इस पूरे प्रोग्राम के लिए हम लोग बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करेंगे। यहाँ वडोदरा से वडोदरा की फैक्ट्री के लिए जो भारत में मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाए और विकसित भारत बनने की दिशा में बहुत हम तेज़ी से एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। श्री चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय एविएशन सेक्टर और कई और कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है। लोगों को एनिमेशन के प्रति जागरूक करने और इससे जुड़े लोगों के काम को सराहने, दुनिया भर में हर साल आज ही के दिन एनिमेशन दिवस मनाया जाता है।
कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनिमेशन सेक्टर पर अपनी बात रखी थी। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे, क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है, एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में आज स्वच्छता अभियान के तहत वेस्ट मटेरियल और स्क्रैप आइटम से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इन कलाकृतियों के निर्माता रेलवे कर्मचारी अशोक देवांगन और उनकी टीम ने बताया कि आज की प्रदर्शनी में विशेष रूप से विशालकाय भगवान गणेश की प्रतिमा और ताजमहल का प्रतिरूप उल्लेखनीय है। रेल विभाग लगा हुआ है कि किस तरह से हमारे रेल के जो वेस्टेज पार्ट्स हैं उसको बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें, वेस्ट से वेस्ट क्या बना सकें। तो एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारे यहाँ, बीटीसी बुनियादी ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर बच्चे एक साल के लिए आते हैं सीखने के लिए। तो हमारा प्रयास रहता है कि वो मालगाड़ी के काम के अलावा और भी चीज़ें सीखें। तो मैं चूँकि मूर्तिकला आता है मुझे, तो मैं एक माध्यम हूँ कि बच्चों को और बेहतर क्या क्या चीज़ें सिखा सकूं। एक हमारे यहाँ के अधिकारी चाहते हैं कि टीम बना के काम करें तो बेहतर कुछ कलाकृति बन जाए। तो बिल्कुल हम लोग एक प्रयासरत थे कि कुछ कुछ कलाकृतियाँ महीने, दो महीने, तीन महीने, छः महीने में क्या क्या चीज़ बेहतर बन सकता है। और आप देख रहे हैं ये पीछे गणेश जी हैं, लगभग एक से डेढ़ महीने का समय लगा और एक बेहतर स्क्रैप मटेरियल से एक बेहतर कलाकृति बनी। वहीं एडीआरएम बजरंग अग्रवाल ने बताया कि रेलवे हमेशा अपने कर्मचारियों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्क्रैप से कलाकृतियों का निर्माण इसका प्रमाण है। वर्गीय हमेशा इसमें कोशिश करता है कि जो भी स्क्रैप निकल रहा है, जिसमें देखेंगे आप छोटे छोटे प्लेट्स हैं, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, उनको हम फेंक सकते हैं, स्क्रैप में बेच सकते हैं, बट उसको स्क्रैप में ना डाल के उसको एक अच्छी प्रतिमा के रूप में रूप दिया जा सकता है। ये भी हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पीपी आर्ट में कुछ ऐसे मॉडल बनाए गए हैं जिनको देख के हमारे यहाँ के स्टाफ उससे जो आगे जो काम करते हैं वर्कशॉप में, एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। ऐसे भी जो स्क्रैप के पार्ट्स निकलते हैं उसको हम इसमें एग्जीबिशन में लगाते हैं और उसको यूज़ करते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज ऑल्सो। इन्वेस्ट मटेरियल की कलाकृतियों को लोगों ने भी काफ़ी सराहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र के 9 संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा आज एक दिवसीय हड़ताल की जा रही है। यूनियन के पदाधिकारी आज सुबह से ही संयंत्र के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि बोनस और 39 माह के एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई है। ठेका श्रमिकों द्वारा किया जाता है, उनके वेतन समझौते और उनके केंद्रीय न्यूनतम वेतन मान लागू करने के लिए एवं उनको 26,000 न्यूनतम वेतन और पूर्ण निर्धारित वेतन दिलाने के लिए आज हम लोग हड़ताल पर हैं। चूंकि हड़ताल सेल कर्मियों के वेज रिवीजन से जुड़े मुद्दों को लेकर था, ग्रेच्युटी पर जो मनमानी सीलिंग लगाया मैनेजमेंट उसको लेकर था और ठेका श्रमिकों को मुद्दों को लेकर था,
हड़ताल में बहुत अच्छा रिस्पांस कर्मचारियों का मिला है। प्लांट के अंदर के कई बड़े शॉप्स जो हैं, बहुत जो इम्पोर्टेंट शॉप्स हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ये एरियस नहीं देके एक नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं, वो ये कि 3 साल 4 साल तक के वेतन समझौता मत करो, उसके बाद एरियस देना बंद कर दो। अभी तक के 9 एग्रीमेंट हो चुका है और 9 एग्रीमेंट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वेतन समझौता का एरियस रोका गया है, लेकिन पहली बार सेल के अंदर एक ऐसी मैनेजमेंट आके बैठी हुई है जो इस तरीके की हरकतें कर रही है। वहीं संयंत्र प्रबंधन श्रमिकों से काम पर लौटने का आग्रह कर रहा है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और मजदूरों की आय बढ़ाने विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में भी यह योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। बलौदा जनपद पंचायत के सीईओ आकाश सिंह ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न तरह के निर्माण कार्य कराए जाते हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध होता है बल्कि उन्हें सुविधाएं भी मिलती हैं। के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्यों और व्यक्तिमूलक कार्यों में भूमि सुधार, समतलीकरण, मेड़ बंधान, कुआं, डबरी निर्माण आदि कार्य जो है स्वीकृत किए जाते हैं और जिनके माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है। इसके अंतर्गत ही दौलत सिंह जी जो ग्राम पंचायत और रायकला जनपद पंचायत बलौदा के निवासी हैं, उनके यहाँ भी कुएं की स्वीकृति की गई थी और कुएं के निर्माण के द्वारा उनके जो है खेत में सिंचाई के माध्यम से कार्य किया जाता है और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। और दौलत सिंह जैसे ही अनेक किसान हैं जिनको नरेगा के माध्यम से अनेक कृषि संबंधी कार्य देकर उनकी आजीविका में संवर्धन करने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास लगातार जारी है। बलौदा के मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी हृदय शंकर ने बताया कि दौलत राम डहरिया नामक किसान सिंचाई की सुविधा नहीं होने से अपने खेत में दोहरा फसल नहीं ले पा रहे थे। शासन की पहल पर उनके खेत में कुआं निर्माण कराया गया है। जनपद पंजाब बलौदा में देव के बाद उसके नाम से कुआं स्वीकृत हुआ, जिससे उन हितग्राही को दौलत राम को दोनों फसल का लाभ ले रहा है, बहुत अच्छा उसको फायदा मिल रहा है। इस तरह क्षेत्र के किसान मनरेगा योजना से जुड़कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक माओवादी घायल हो गया है, जिसे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए दाखिल कराया है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के कुम्मा मेटा के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस अभियान के दौरान हुए मुठभेड़ में बेलचर आरपीसी कमेटी सदस्य राकेश कुमार ओयाम घटनास्थल पर घायल अवस्था में मिला। घायल नक्सली का बीजापुर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि घायल नक्सली के खिलाफ जांगला, भैरमगढ़ और मिरतूर थाना में 4 अपराध पहले से दर्ज है। और अब कुछ खबरें जिलों से। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दी है। भाजपा ने कहा कि बीते 15 वर्षों में कांग्रेस ने नगर निगम क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने रायपुर महापौर रहते हुए अनेक विकास कार्य करवाए हैं। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा स्थानीय नगर निगम ऑडिटोरियम में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान संघ ने वेतन वृद्धि, समय पर भुगतान और कार्यक्षेत्र में सुविधा तथा अन्य मुद्दों पर वित्त मंत्री से चर्चा की। इस पर श्री चौधरी ने उन्हें उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। जांजगीर के वार्ड 10 के तलवा डबरी में मगरमच्छ दिखने के बाद लोग डरे हुए हैं। डबरी के चारों ओर लोगों की बसाहट है और रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग ने इसकी सूचना मिलने पर डबरी में जाली भी लगाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ वडोदरा में किया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। प्रधानमंत्री ने देश में एनिमेशन सेक्टर को बढ़ाने पर दिया जोर।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में स्वच्छता अभियान के तहत वेस्ट मटेरियल और स्क्रैप आइटम से बनी कलाकृतियों की लगाई गई प्रदर्शनी। और बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।